ना हाल दिलों का ना पूछो सनम, आपका मानसून प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए ये बोल रहे नहीं अभी ढकेंगे यार, बहुत पानी पड़ रहा है यार, 48 घंटा से हमारी गाड़ी भीग रही है, बताओ उस पे क्या गुजर रहा होगा। तो हमारा मटेरियल रेडी है दोस्तों, देखिए देखिए आप लोग, और हम पनीर भी लेकर के आए हैं, तो आज पनीर की सब्जी बनाएंगे। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और हर रोज की भांति मैं आज भी सुबह उठ करके नहा धोवा करके पूजा पाठ करके रेडी हो गया हूँ, लेकिन आज मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी आज ड्यूटी बी शिफ्ट में लगी है। तो अभी सो करके वैसे भी लेट उठे थे हम, तकरीबन 9:15 हो रहा है, तो चलते हैं अभी नाश्ता करने दोस्तों। तो दिखाते हैं आप लोगों को नाश्ता में क्या है, क्योंकि मुझे 4 बजे तक ही ब्लॉग बनाना है। फिलहाल मौसम का भी हालचाल आप लोगों को दे दूं, तो बाहर निकलते हैं देखते हैं मौसम का क्या हालचाल है। तो मौसम का तो हाल पूछो ना सनम, बोलते ना हाल दिलों का ना पूछो सनम, आपका बरसना गजब ढा गया। देखिए बारिश हो रही है इधर, देखिए दोस्तों अक्षय भैया बोल रहे थे गाड़ी धुलने के लिए, गाड़ी इतना बार धुल रहा है कि गाड़ी को ढकना पड़ेगा ज्यादा धूल। बारिश तो देखिए कितना जबरदस्त चल रहा है बारिश, हम 2 घंटा रुकने के लिए बोले थे भगवान को, लगता है 2 दिन लगातार पड़ेंगे, कल तो पड़े ही आज ही पड़ेंगे। देखिए तो चलिए देखते हैं नीचे नाश्ते में क्या है। वैसे तो उम्मीद है कि घोड़े के खाने वाले चना होगा कीड़ा होगा, बाकी पहुँचने दोस्तों हरियाणा में मानसून प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए ये बारिश आज लगता है शाम तक बरसेगा। चलिए मेरा निर्णय सही था कि मैं बोला कि मैं 20 सीट में ड्यूटी जाऊंगा, अभी ए में जाकर के क्या करता, शाम में आकर के सो जाता, लेकिन बी में जाऊंगा तो सही रहेगा, क्रिकेट विकेट तो होने वाला नहीं है। जिस हिसाब से बारिश हो रही है देखिए एकदम पूरा गति में, और उजला बादल बहुत बरसता है। देखिए उजला बादल देखिए एकदम पूरा, कहीं ऐसा नहीं कि काला काला धब्बा धब्बा रहता है तो वो छूट जाता है, लेकिन कहीं काला काला धब्बा धब्बा नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा उजला बादल है देखिए। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में, खेलते हैं पबजी। दोस्तों ये देखिए हमारे अक्षय भैया को, ये क्या बोले अभी, सुधांशु बहुत बारिश हो रही है, चलो ना गाड़ी को ढक देंगे, ठीक है। लेकिन ये बारिश रुक नहीं रही है, बेचारे इधर साफ कर रहे हैं तो उधर भीग जा रहा है, और उधर साफ कर रहे हैं तो इधर भीग जा रहा है। देखिए अभी सब जगह पोछा मारे हैं, लेकिन देखिए कपड़ा मारे हैं, सॉरी अब पोछा हुआ ना वही तो हुआ मारे हैं, देखिए अभी साफ कर रहे हैं फिर भीग रहा, साफ कर रहे हैं भीग रहा। हम इनको बोले कि धूप निकल जाने दीजिए तब ढकेंगे, ये बोल रहे नहीं अभी ढकेंगे यार, बहुत पानी पड़ रहा है यार, 48 घंटा से हमारी गाड़ी भीग रही है, बताओ उस पर क्या गुजर रहा होगा। अंदर से गाली दे रहा होगा, खुद तो सोया हुआ है घुस के कम्बल ओढ़ करके, और हमें रखा है पानी में खड़ा करके। यार अक्षय भैया लेकिन पता है वो कवर के नीचे ना पानी रहेगा भाई, कवर के नीचे पानी रहेगा, सूखेगा नहीं, ये तो बात है, जब हटाइएगा तो कवर भी भिगा रहेगा, कवर भी सुखाना पड़ेगा आपको। चलिए नहीं रखिएगा है, लीजिए दोस्तों, प्लान कैंसिल हो गया दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों का प्लान बनता है। कहाँ से खुलता है भाई, पीछे का पार्ट बाहर, यहाँ से खुलता है, कहाँ से खुलता है यहाँ से, और ये पता है क्या हो जाएगा, कवर पर बाहर से भीग जाएगा अंदर से भीग जाएगा, ऐसे हम बोले भीगने दीजिए अभी, जब धूप निकलेगा ना तब इसको ढक दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अरे इनका एक चीज़ का फायदा हो गया पता है क्या, ये रोज़ बोले थे गाड़ी धुलवाने जाएंगे गाड़ी धुलवाने जाएंगे, भगवान बोले तू अच्छा टेंशन मत ले मैं धूल दे रहा हूँ। देखिए कितना मस्त से धूल है एकदम, अरे नीचे वाला भी तो धूल गया है, टायर वायर मिट्टी में लगा था, देख देख कल बारिश जितनी हुई है ना बहुत बारिश हुई बहुत, देख तो इधर सब में साइड साइड में जो मिट्टी लग रही थी, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो लगा ही रहेगा, आदमी के जैसा थोड़ी ना धुलेगा, आदमी कैसे मोल मोल का धोता वैसे थोड़ी भगवान मोल के धोएगा। एक तो धूल दे रहे हैं सस्ते में, सस्ते में का कुछ नहीं खर्चा है, कितना लेता है बताइए, 200 रुपया का बचत हुआ ना, तो प्रीतम को 100 रुपया खर्चा कर दीजिए, तो ये रगड़ देगा नीचे प्रीतम, उसको 100 रुपया खर्चा कर दीजिए, 200 रुपया रगड़ देता है ना, रगड़ नीचे रगड़, लेकिन काम आया है, छूट नहीं रहा, स्क्रैच लग गया था दोस्तों यहाँ पे, बाइक मार दिया था ये वाला, बाइक को ही रगड़ दिया था यहाँ पे, लेकिन सही हो गया, लेकिन ये वाला डेंट तो तगड़ा है ये तो, हाँ वो
नट से मारा है, नट से मारा है। उसे दबा के, अरे पेल नहीं पाता ना मैं, पूरा भीड़। गाइस ये बारिश आज नहीं छूटने वाली है, कल की तरह ये आज भी बारिश ब्लॉग होने वाला है। फिर बारिश पड़ने लगा, देखिए कितना कपड़ा मारिएगा भाई, मारिए कपड़ा, इधर मारिएगा तो उधर भीगेगा, उधर मारिएगा तो इधर भीगेगा, इसलिए इसको रहने दीजिए, भीगने दीजिए थोड़ा। बारिश में ये भी नहा ले, बहुत दिन से नहाया नहीं है। चलिए पबजी खेलते हैं यार दुकान से, चलिए आते हैं दुकान से। फिर पहले दोस्तों मैं दुकान जो गया था, देखिए हम लोग दुकान से क्या लेकर के आए हैं, देखिए दिखाते हैं। देखिए मैगी बन रहा, मैगी ये देखिए, ये मैगी, ये हम लोग 2 ही मिनट वाला मैगी बनाए हैं, ये 10 मिनट वाला मैगी बनाया नहीं है। 2 मिनट में देखिए भी क्या बनाया है, घी भी डाल करके बना है मैगी गाइस। देखिए बनने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा मैगी बनकर कैसा तैयार हुआ है। और हम पनीर भी लेकर के आए हैं, तो आज पनीर की सब्जी बनाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि हमारा लास्ट वीडियो वही रहेगा पनीर की सब्जी वाला, फिर उसके बाद हम ड्यूटी। तो दोस्तों देखिए हमारा मैगी बन करके तैयार है, देखिए। और ये मस्त ही बना होगा क्योंकि अच्छा भी है, तो एक चम्मच खा लिए हैं। अच्छा वाला आ गया वो। कितना मस्त बना, एकदम घी डाला है ना, जो जबरदस्त लगा है हमारा मैगी। अब हम रात शाम में दिखाएंगे आप लोगों को अपना पनीर। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था, पनीर खाते टाइम, सॉरी मैगी खाते टाइम, कि आप लोगों को पनीर की सब्जी बना करके दिखाऊंगा। तो देखिए, अरे ये हमारे ऋतुराज भैया हैं, देखिए ये। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था कि पनीर की सब्जी बना करके दिखाऊंगा, तो हमारा मटेरियल रेडी है दोस्तों। देखिए अभी हम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अक्षय भैया लेकर के आ रहे हैं घी, तो घी में पनीर बनाएंगे। तो उनको मैं अभी फ़ोन किया हूँ, फिलहाल हमारा भगोना वगोना कढ़ाई वढ़ाई तैयार है, काट करके भी रेडी कर दिए हैं, तो बनाने का प्रोसेस आगे जारी कर। तो दोस्तों हमारा बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, देखिए ये डाल दिए हैं अभी तेज पत्ता और प्याज और जीरा। अभी ये भूजने के बाद हल्का ये ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे मसाला, मसाला डालने के बाद डालेंगे टमाटर, टमाटर डालने के बाद फिर मसाला। तो दोस्तों देखिए ऑलमोस्ट हमारा पनीर तैयार हो चुका है, देखिए आप लोग। एक हम लोग गड़बड़ कर दिए कि इसमें दही नहीं डाले, अगर दही डालते तो थोड़ा ग्रेवी और गाढ़ा हो जाता, मस्त हो जाता, वैसे इतना भी सही है। और ये पनीर अभी खाएंगे नहीं, ये लेकर के जाएंगे हम लोग टिकने में पैक करके, क्योंकि वहाँ पे खाना में सब कुछ तो सही रहता है लेकिन सब्जी सही नहीं रहता, इसीलिए हम लोग प्लान किए कि पनीर की सब्जी से बना के ले चलेंगे। चलाइए तो और दोस्तों हमारा बक्सा स्वाद सही था ना, एक नंबर बाकी एक नंबर स्वाद था, बाकी खाने के बाद हम बताएंगे कितना नंबर था, लेकिन एक ही नंबर होगा क्योंकि इससे पहले भी हम पनीर बनाए थे, उसमें तो लहसुन प्याज भी कुछ नहीं डाले थे, ऐसे ही था जो मस्त बना था। देखिए लहसुन कहाँ पड़ा है, न लहसुन नहीं पड़ा है, न अदरक पड़ा है, उसमें अदरक डाले थे। ये ज़्यादा मत कीजिए, टूट जाएगा पनीर। अच्छा भैया रहने दीजिए, हो गया, बंद कर दीजिए, बंद कर दिए गैस, बंद कर दीजिए बस। दोस्तों थोड़ा चम्मच हटाइए इसके ऊपर से। दोस्तों देखिए हमारा फाइनल पनीर बन करके रेडी है, कितना मस्त लग रहा है ना। दुल्हनिया सज के रेडी है, बाराती ले चलेंगे इसको पैक करके टिफिनिया में। दोनों में पैक कर लेते, पहले बड़गाम पैक करते, ये दो छोटा छोटा ले आऊँ है, इसमें पैक कर लें, दो जितना बचेगा उसमें डाल दूँगा, नहीं तो छोटा ले आऊँगा, क्यों बड़ा लेके जाएंगे। हाँ तो छोटा ही ले लिया, गोलका वाला है ना। तो चलिए दोस्तों हमारा पनीर पैकिंग हो रहा है, बन गया है, तो अब आज का ब्लॉग इधर समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है। और मिलते हैं आप लोगों से अब कल वाले ब्लॉग में। अगर हमारा पनीर का सब्जी बनाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।